जड़ी बूटियों से आपने स्वरोजगार का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन चमोली जिले के टंगरी में एक ऐसा समूह भी है जो उन्हीं जड़ी बूटियों को पीस कर अगरबत्ती और धूप बनाने का काम कर रहा है। हमारे साथ आशीष भट्ट जी हैं जिन्होंने लगभग 5 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना स्टार्टअप किया है, सीधे उनसे ही बातचीत करेंगे। नाम आशीष भट्ट है, टंगनी से आए हैं, जोशीमठ में जो एक गांव है टंगनी। अब हम एक खुशबू के नाम से जो प्राकृतिक खुशबू होती है उसको नेचुरली हर घर घर पहुंचाना चाहते हैं, पहाड़ से लेकर सब जगह। हमारे पास कई प्रकार की धूप अगरबत्तियां हैं नेचुरली, तो हम मैंने जब ये काम शुरू किया तो PMEGP का जो ये लोन है वहाँ से लोन लेकर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें खादी ग्राम उद्योग का भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो हम उस माध्यम से कार्यक्रम करते हैं, तो हम धूप अगरबत्ती बनाते हैं नेचुरली। श्री बद्र केदार देव भूमि के नाम से हमारी धूप अगरबत्ती है। तो हमारा जो यहाँ पे वो जो हमारा एक प्रोडक्शन का केंद्र है उस सिर्फ ये आप सामने देख सकते हैं बैदई भट्ट बर्दर इंटरप्राइज के नाम से हैं। तो हमारे साथ महिला समूह भी काफ़ी जुड़ी हुई है, उन्हें हम पैकिंग वगैरह का काम देते हैं और उनसे जो पहाड़ की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती है जैसे आप इसमें लगा सकते हैं माती है, टगर है, नैर है, देवदार है, भेदारू है, उर्सू है, इस प्रकार की 9 जड़ी बूटियाँ हैं जो भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान पहले निवास नीचे की ओर करते थे, ऊपर की ओर भागने का उनका कारण क्या है कि यहाँ पे एक तो सुख और शांति है, दूसरा यहाँ पे जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती है जिनसे अनेक प्रकार की खुशबू, अनेक प्रकार की शक्तियाँ चलती है, तो उन शक्तियों के बीच भगवान बसे हुए हैं। हम उन्हीं पहाड़ियों से, चुनिंदा पहाड़ियों से, जैसे बद्र विशाल की पहाड़ियों से भी है, वहाँ से भी नैर वगैरह चीज़ें उठाते हैं और अन्य द्रोणागिरी के पर्वत से हैं, यहाँ से भी हम जैसे माटी टगर वगैरह ये चीज़ें महिला समूह के द्वारा खरीदते हैं और इस चीज़ें से प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बनाए श्री बद्र केदार देव भूमि के नाम से, तो इस प्रोडक्ट की विशेष खासियत ये है कि जैसे इसको घर में जलाओ तो एक सुख और शांति की समृद्धि होती है, मध्यम मध्यम खुशबू होती है इसके घर में ही, जलते जलते अगर ये बुझ जाता है, जब आप उसके बाद भी लगभग 25 से 30 मिनट तक इसकी खुशबू कमरे में घुसती रहती है और इससे जो घर की नेगेटिव एनर्जियाँ होती है वो दूर चली जाती है। और दूसरे में इसके फायदे एक ये भी, जैसे मच्छर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, इसकी खुशबू से नज़दीक नहीं आते हैं, एक ये भी इसका फायदा है। दूसरा बद्र केदार देव भूमि के नाम से है, तो इसमें जो ये धूप अगरबत्तियाँ बनी है इसको जो इसमें 9 जड़ी बूटियाँ हैं इसको अगर कभी बोलते हैं घर में बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है या डरते हैं तो इसका जो राख है जलने के बाद उस राख को बच्चों को लगाओ तो वो ठीक रहते हैं, वो डरना दूर हो जाएगा। किसी को पूरे सपने वगैरह आते हैं तो इसकी पोटली जो राख बच जाता है इसकी पोटली बना के आप जो तकिया होता है उसके नीचे रखो तो पूरे सपने आने भी खत्म हो जाते हैं, तो काफ़ी नेचुरली फायदा है इसमें। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी बद्री गाय है जो आज लुप्त कह सकते हैं, हम लुप्त होने के कगार पे है, जगह जगह छोड़ी हुई है लोगों ने, हम उसका भी प्रयोग करें। जो बद्री गाय का गोबर होता है या गोमूत्र होता है उसमें आयुर्वेदिक गुण सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो गायें हमारी जो होती है वो पहाड़ को चढ़ने जाती है, वहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसके गोबर में फाइबर भी ज़्यादा पाया जाता है, उसके गोबर को ही जलाने मात्र से ही मच्छर दूर भागते हैं। हमने इस प्रोडक्ट में 10% वो भी यूज़ किया है, काफ़ी चीज़ें इसमें यूज किया तो बहुत फायदे हैं इसके। भाई साहब अगर प्राइसेस की बात की जाए तो कितने कितने इसके रेट हैं? आप लगा लीजिए ये हम 25 रुपये में देते हैं, थोक में तो और भी कम देते हैं लेकिन सिंगल डिब्बा 25 रुपये में देते हैं और यहाँ पे हम इसको भी 50 स्टिक है, वैसे हमें 2-2.5 रुपये की एक स्टिक बनती है पर हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे भी कंसेक्शन करते हैं, इसको 50 स्टिक 100 रुपये का देते हैं यहाँ पे, तो अगर पैकिंग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? अभी हमारे पास जो है धूप और अगरबत्ती दो ही चीज़ है और आगे भी अब सोच रहे हैं कि बद्र गाय के गोबर से दीपक वगैरह बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन इसका मार्केट अच्छा होगा तो तभी हम काम कर सकते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सूर्या मिश्रा की रिपोर्ट।